अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू ग्रैनीज रसोई। आज हम मनी बैग बनाएंगे इंशाल्लाह, चिकन मनी बैग। इसके लिए मैं यहाँ पर चिकन को बॉईल कर ली। चिकन में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल के बॉईल कर ली, उसका जैसा श्रेड करके रख ली। और मैं यहाँ पर एक दो मीडियम गाजर ली, इसको जो है ऐसा बारीक काट ली। और शिमला मिर्ची बड़ी थी तो वो आधी लेके उसको भी ऐसा काट के रख ली। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा एक दो टेबलस्पून तेल डाली और मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली मैं, इसको अच्छे से हिला लेंगे। उसके बाद मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। फ्लेम हम तेज़ कर देंगे गैस का, और चिकन के साथ ही मैं ये जो गाजर हम काट के रखे थे वो डाल देंगे। इसको अच्छे से थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। यहाँ पर मैं हाफ टी स्पून काली मिर्ची का पाउडर और हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ, क्योंकि हम लोग चिकन में भी नमक डाले थे इसलिए नमक देख के डालना है। आप अपने जायके के हिसाब से डालिए। अब ये मैं कैप्सिकम भी इसमें डाल दूंगी। बस एक आध मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे ऐसा। और ये थोड़ा सा एक टीस्पून में सोया सॉस डालें, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो डालिए वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए ये हो गया, इसको मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए प्याज की पत्ती है, ये स्प्रिंग ऑनियन जो बोलते हैं, इसके मैं अच्छे से जो साफ है पीसे वो निकाल ली। प्याज को निकाल के इसको इस तरह से बंद दी और इसको मैं गर्म पानी में डाल रही हूँ। बस इसको मैं बिल्कुल एक दो उबाल तक रखूँगी। बस अब इसको मैं चूल्हा बंद करके निकाल के ठंडे पानी में डाल दूंगी। ये इस गर्म पानी में से निकाल दी, अब मैं इसको ठंडे बिल्कुल बर्फ़ के पानी में डाल दी। ये अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये स्प्रिंग रोल की शीट ऐसा ले ली हुई हूँ मैं, अब इसमें मैं ये डालूंगी। ये डाल के आप जरा हवा लगे तो ये सूख जाते, देख के आप। इस तरह करके आप जो है उसको बांध दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से अब हम पूरे इसी तरह से बना लेंगे। इसको फ्राई करेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो गया। ये देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए। चलिए ये चिकन मनी बैग बनके बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए, और आपसे कैसा बना मुझे कमेंट करके बनाइए बताइए, और आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ग्रैनीज रसोई और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, आप लोग वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करिए। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ रखे। हज़ारों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।